माँ माँ। बा बा। कहाँ हो माँ? बा किधर है? उठ गई हेड़ा, किधर हूँ मैं? हाँ माँ। अब कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल अच्छी हूँ। फिर सब ठीक है। बा, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि फिर सब ठीक है? तुम्हें कुछ भी याद नहीं हैं? क्या याद नहीं, कुछ हुआ था क्या? नहीं तो। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम जानती हो कि माँ तुम्हारे तुमको लेकर कितना सोचती है, तुम्हारी चिंता करती है। बाप, माँ मेरी इतनी फिक्र क्यों करती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों नहीं समझाते हो? मैं समझाता हूँ, लेकिन वह फिर भी तुम्हारी चिंता करती है। बाप, मैं बड़ी हो गई हूँ, माँ को इतनी चिंता करने नहीं कहेंगे। अच्छा, तो तुम बड़ी हो गई हो? हाँ। तो बड़ी एरा, यह बात तुम अपनी माँ को खुद क्यों नहीं बताती? क्या बाप, मुझे माँ की डांट खानी है? आप ही बता देना। अच्छा, मैं? हाँ आप। मैं चली। ओ बड़ी एरा, जरा ध्यान से, ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है बा। एरा कहाँ जा रही हो? अभी आई माँ। एरा ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है? ठीक है माँ। रुको रुको, यह सूखी वीरान जगह तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ भी नजर नहीं आता दूर दूर तक, केवल पहाड़ ही पहाड़, कोई भी हरा भरा जगह ही नहीं है। पता नहीं मेरी बहनों को भी कुछ मिला है कि नहीं, लेकिन हम सभी को तो जल सोते खोजने ही होंगे। क्या कहा था उसने? लाल लाल चमकते पहाड़ होंगे। चमकते पहाड़ जल्दी जल्दी खोजने होंगे, जलसोता तक पहुंचने का वही एक रास्ता है। इतनी दूर तक तो आ गई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। मुझे अभी और उड़ान भरने की आवश्यकता है। हो ना हो मिल ही जाएगा, केवल मुझे थोड़ा धैर्य रखना होगा और लगातार खोजते रहना होगा। ये कहां से आ गया? हाँ, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता। और हाँ, मैं घास नहीं खाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने तो आपसे पूछा था कि क्या खाते हैं आप। हाँ पूछा तो था, पर अभी तो बीमार थे। अचानक आप में इतनी तेजी कहाँ से आ गई? ऐसी हालत में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करने आए हो इधर? मैं अपनी शरारत और अपनी माँ के बात नहीं मानने के कारण मुसीबत में फंस गया। कैसी मुसीबत? मुझे एक लकड़बग्घे ने देख लिया और वो मुझे मारकर खा जाना चाहता था। भागते भागते मुझे यह झाड़ी दिखी और मैं यहाँ आ गया। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। देखो मुसीबत में पड़ गए ना। हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माँ के पास वापस जाकर माफी मांगूंगा। ठीक है अब मैं जाता हूँ। तुम एक और गलती करने जा रहे हो। कैसी गलती? अगर तुम अभी गए तो कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम जैसे ही झाड़ी से बाहर निकलोगे वह तुम्हें मार देगा। वादों सिला क्या होगा? ओहो, तुम कितना मासूम हो। वह कहीं नहीं गया होगा, घात लगाकर इंतजार कर रहा होगा। इतना आसान शिकार को वह नहीं छोड़ देगा। तुम एक बार तो बच गए, पर बार बार झाड़ियाँ तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर मैं कैसे जाऊंगा?
मेरी माँ तो परेशान हो जाएगी। तुम जरूर जाओगे, लेकिन कुछ देर तुम्हें रुकना होगा। रुकना होगा? मैं कैसे जाऊंगा? मेरी माँ आप? मैंने कहा ना, जाओगे, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। अभी यही रुको। ठीक है, एक बात पूछने। हाँ, पूछो। आप यहाँ कैसे? क्या आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ। अच्छा, मैं आई। भागकर कहाँ जाओगे? ओ, इतनी सारे रंग बिरंगे। मैंने कहा था ना, भागकर कहाँ जाओगे? ढूंढ लिया ना। कौन है? कौन है वहाँ?